टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को कोई नहीं भूल सकता। इंटरनेट की दुनिया में छाने वाले नीरज चोपड़ा को जिस तरह से बधाइयां जो मिल रही है, लेकिन जो भारतीय डाक विभाग हरियाणा परिमंडल ने जो किया उसको सुनकर आप भी एक बार के लिए हैरान रह जाएंगे। जानिए आखिरकार हरियाणा परिमंडल ने ऐसा क्या किया। दरअसल पानीपत के मुख्य डाकघर के मुख्य गेट के पास डाक विभाग द्वारा सोने के रंग का एक विशेष लेटर बॉक्स स्थापित किया गया है, लेकिन लेटर बॉक्स जो लाल रंग का होता है, यहाँ पर लाल नहीं बल्कि सोने का ये लेटर बॉक्स टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इतिहास रचने वाले स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में लगाया गया है। इसे भारतीय डाक विभाग हरियाणा परिमंडल ने लगवाया है। ऐसा ही एक विशेष लेटर बॉक्स जल्द ही नीरज चोपड़ा के गांव में उनके घर के बाहर भी लगाया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने यह फैसला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इस विशेष लेटर बॉक्स की स्थापना के अवसर पर पानीपत मुख्य डाकघर इंचार्ज नरेश धीमान ने बताया कि डाक विभाग द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा गया कि नीरज की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में बधाई के पोस्ट पानीपत डाकघर में प्राप्त हो रहे हैं, जिसके जल्द वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए एक विशेष उपलब्धि है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।